आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मैं एक इवेंट अटेंड करके घर जा रहा था। रात के करीब 12 बज गए थे और पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो हवा में थिन एयर ऑफ मिस्ट्री और डर फैला हुआ। मैं अपनी कार की तरफ आगे बढ़ा और मुझे दूर से ही 3 लोग मेरी कार के बोनट पर बैठे हुए दिखाई दिए। मेरे सिक्स्थ सेंस ने मुझे कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम मेरे हाथ में लैपटॉप था, एक महंगी घड़ी भी थी। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे समझ में आ गया कि दिस इज वॉर, क्योंकि सामने वाले चर्सी थे और वो लोग मुझे लूटने वाले थे। वेल, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है मैंने क्या किया होगा? ऑप्शन 1, भोला बन के यस्सर करके उन चरसियों को मुझे लूटने दिया होगा, या फिर ऑप्शन 2, अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस का यूज करके चंट चालाकी से उन चरसियों से अपने आप को बचाया होगा और सेफली घर पर पहुंचा होगा। आपके पास 5 सेकेंड है कॉमेंट करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं भाग लेने वालों में से हूँ। तो जैसे ही मैंने मेरे स्टेप्स आगे बढ़ाए, सामने वाले 3 बंदे एकदम खड़े हो गए और अपनी अस्तिनों ऊपर कर ली जैसे वो मुझ पर अटैक करने वाले थे। उतनी देर में मैंने अपना फोन बाहर निकाला और कैमरा से उन्हें रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जिसके बाद मैंने बिना डरे उनकी आंखों में देखते हुए एक अथॉरिटिव टोन में कहा, मेरे अंकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और मैंने उन्हें तुम तीनों का वीडियो भेज दिया है और अपनी लोकेशन भी ऑन कर दी है, तो जो भी करोगे ना सोच समझ के करना। ये बातें सुनते ही उन तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया, जिसके बाद उनमें से एक बंदे ने एक डरी हुई वॉइस में मुझसे कहा, अरे भाई हम तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही बैठे थे, अब बस घर जा ही रहे थे, आप भी जाइए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जिसके बाद मैं सेफली अपने घर पहुंच गया। वेल दोस्तों, यहाँ तो मेरा चंट चालाक बनना मुझे काम आ गया, पर ऑनेस्टली मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मुझे बुली करते थे, मेरा टिफिन बॉक्स खा जाते थे, मुझे ऐसे ही टपली मार देते थे और मैं सामने से कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि तब मैं बहुत भोला था। पर एक दिन इतना तंग होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब भोले से चंड बनने का समय आ गया है। तब मेरे हाथ में रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर आई, एंड ट्रस्ट मी, इस बुक ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और आज मैं इसी बुक से आपके साथ कुछ ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो आपको भी चंट चालाक बना देंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, जिंदगी बदलने वाली है। तो अगर आप रेडी हो तो कॉमेंट कर दो, आई एम रेडी। नंबर 1, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। एक बार एंड्रू कार्नेगी की सिस्टर इन लॉ अपने दोनों लड़कों के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि उनके दोनों बच्चे घर से बाहर येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इसलिए उनकी माँ को दोनों बच्चों की काफी फिक्र रहती थी। इसलिए वो हर हफ्ते अपने बच्चों को इमोशन से भरा हुआ लेटर लिखती थी, लेकिन ये बच्चे इतने बुरे थे कि वो अपनी माँ की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे और अपनी माँ के लेटर्स को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। इसलिए परेशान होकर माँ ने यह बात एंड्रू कार्नेगी को बताई। सिचुएशन को समझने के बाद एंड्रू कार्नेगी ने तुरंत कहा कि इतनी सी बात है, मैं तो बिना लिखे ही दोनों बच्चों को लेटर्स लिखने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। ये बोलकर एंड्रू ने एक ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड लिया और उस पर लिखना शुरू किया, किड्स आई होप दैट यू हैव बीन हैविंग फन एट येल, हियर इज $5 फॉर ईच ऑफ यू सो दैट यू कैन ट्वाइस योर फन एंड एंजॉय योर लाइफ एट मैक्स, स्पेंड दिस मनी वाइजली एंड एज सून एज यू कम होम मेक श्योर टू विजिट मी। वेल, इतना लिख के एंड्रू कार्नेगी ने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। पर क्या आपको पता है कि एंड्रू ने चिट्ठी में जानबूझकर पैसे नहीं डाले थे, इसलिए जैसे ही बच्चों को वो खाली लिफाफा मिला तो उसके तुरंत बाद दोनों बच्चों ने अगले दिन चिट्ठी का रिस्पांस देते हुए कहा कि डियर अंकल एंड्रू, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी इतनी परवाह करते हो, हमें भी आपकी बहुत याद आती है, वैसे हम अगले महीने ही घर आने वाले हैं तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे। वैसे ये सब तो ठीक है अंकल, और हमें आपकी चिट्ठी भी मिली, लेकिन इसके साथ जो $5 भेजे थे ना वो कहीं मिसिंग है, आप प्लीज इसके बारे में इंक्वायरी करके हमें बताइए कि ये कहां खो गए। अब ये लेटर देखकर उनकी माँ काफी शॉक होगी, क्योंकि एंड्रयू ने बड़ी ही चालाकी से बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ लेटर लिखने पर मजबूर कर दिया था। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी का पहला रूल, कि लोगों की जरूरतों और वीकनेस को समझो और एग्जैक्टली वहीं पर अटैक करो, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे लोग तुरंत ही हाथ जोड़ के आपके रिस्पेक्ट करने चले आएंगे। वहीं साइकोलॉजी का दूसरा रूल कहता है कि विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्गुमेंट्स। एक बार माइकल एंजेलो डेविड का स्टैचू बना रहे थे, जिसके फिनिश होने के बाद सिटी के मेयर ने स्टैचू को देखकर एक कमेंट पास किया, माइकल मुझे लगता है कि ये स्टैचू की नाक थोड़ी बड़ी है। माइकल चुपके से हाथ में थोड़ी धूल उठाते हैं और हैमर से स्टैचू पर टैप करते हैं और हाथ से धूल नीचे गिराते हैं, जिसके बाद जाकर मेयर को पूछते हैं क्या अब नाक ठीक लग रही है, जिसको देखने के बाद मेयर कहता है परफेक्ट, अब स्टैचू ज्यादा बेटर लग रहा है।
अब यहाँ रियलिटी में मेयर नीचे के एंगल से स्टैचू देख रहा था, इसलिए उसे नाक बड़ी लग रही थी और ये बात माइकल को पता भी थी, बट फिर भी ही डिड नॉट आर्ग्यू एंड इंस्टेड अपने एक्शन से विन-विन सिचुएशन क्रिएट कर दी। इसके फ्लिप अपोजिट में गायस लिसिनियस म्यूसियानस नाम के एक लीडर ने एक इंजीनियर को शिप्स को पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाने का टास्क दिया। इंस्ट्रक्शन सुनके इंजीनियर ने एक अथॉरिटिव टोन में कहा कि आप जैसा शिप बनाने का कह रहे हो वो वॉर के लिए ठीक नहीं है और आपको इसकी वजह से वॉर में हार भी मिल सकती है। वेल, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इंजीनियर बिल्कुल सच कह रहा था, पर उसके अथॉरिटिव टोन और किंग की बात ना मानने पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। वेल, अगर इंजीनियर आर्ग्यू करने के बजाय पहले ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करके एक मॉडेस्ट वे में सॉल्यूशन देता तो शायद उसकी जान भी बच सकती थी और शायद उसके सजेशंस को भी कंसीडर किया जा सकता था। नंबर 3, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। दोस्तों, मैंने जब ये मैजिक ट्रिक देखी तो मैं काफी इंप्रेस हो गया था, पर जैसे ही मुझे इस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट पता चला तो मेरे दिमाग में ये मैजिशियन और उसके मैजिक ट्रिक की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। वेल, एक मैजिशियन को आप तब तक ग्रेट कंसीडर करते हो जब तक उसके सीक्रेट्स आपके सामने ना आ जाए, और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है कि मैजिशियन ने ट्रिक के पीछे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और अब उसकी ट्रिक में कुछ नया नहीं बचा, तो आपका इंटरेस्ट इमीडिएटली कम हो जाता है। वेल, आइए इसे एक हिस्टोरिक एग्जांपल से समझते हैं। जापान में चनोयू नाम की एक चाय सर्व करने की प्रथा है, जहां पर चाय को कप में डालकर एक पर्टिकुलर वे में सर्व करना होता है। सेन नो रिक्यू ये क्राफ्ट में एक्सपर्ट था एंड एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी उसने एम्परर हिदेयोशी के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, जिसके बाद उसने एम्परर हिदेयोशी को पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में काफी हेल्प की। अब होता यूं था कि रिक्यू बहुत हार्डवर्क करता तो था, पर एम्परर को ऐसा दिखता था कि सब कुछ उसके लिए इजी और एफर्टलेस है। एक दिन रिक्यू के फ्रेंड को उसके ये सीक्रेट के बारे में पता चल गया और उसने सोचा कि वो रिक्यू को उसी की टेक्निक से इम्प्रेस करेगा, जिसके बाद उसने रिक्यू को डिनर पर इनवाइट किया और बहुत मेहनत करके उसने रिक्यू को ओसाका राइस, जो कि बहुत एक्सपेंसिव राइस है, वो सर्व किया। पर वो लेमन ऐड करना भूल गया था एंड वो चोरी से अपने गार्डन में गया, उसने लेमन प्लक किया एंड आके रिक्यू को सर्व किया। वेल, सर्व करते हुए रिक्यू का फ्रेंड हाँफ रहा था क्योंकि वो गार्डन में भाग कर गया था। इस पूरे प्रोसेस से उसने रिक्यू को अनइंटेंशनली अपने एक्शन से बता दिया कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यह सब देखकर रिक्यू ने राइस खाने से मना कर दिया एंड हंसते हुए घर चला गया। वेल, अगर कोई आपको एक गिफ्ट देने वाला है और आपको उसका पहले से पता लग जाए तो क्या आप उस गिफ्ट को अच्छी तरीके से रिसीव कर पाओगे? नहीं ना। उसी तरह लोगों को इम्प्रेस करना है तो मेक देम फील दैट इट कम्स ऑर्गेनिकली टू यू एंड यू बेरली वर्कड हार्ड फॉर इट। नंबर 4, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सिम डंबर देन योर मार्क। कहा जाता है कि जो लोग सबको ये दिखाते हुए फिरते हैं कि वो बहुत ही होशियार हैं, असल में वही सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। कैसे, यू आस्क? हियर इज योर आंसर। एक्चुअली ईयर 1865 में प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहते थे। वेल, इस डील से प्रशिया को तो बहुत फायदा हो रहा था, बट ऑस्ट्रिया को इस डील से काफी लॉस हो रहा था। अब ऑस्ट्रिया से इस टॉपिक पर बात करने के लिए काउंट ब्लोम नाम का एक आदमी आने वाला था। काउंट ब्लोम को पत्ते खेलने का बड़ा शौक था, और तो और लोग ये भी कहते हैं कि ब्लोम लोगों के पत्ते खेलने के ढंग से पता कर लेता था कि सामने वाला पर्सन इंटेलिजेंट है भी या नहीं। वेल, ये बात बिस्मार्क को भी पता थी, जिसके बाद ट्रीटी साइन होने की एक रात पहले ही बिस्मार्क ने ब्लोम को पत्ते खेलने के लिए इन्वाइट कर लिया, जिसको ब्लोम बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाया और वो सीधा पत्ते खेलने के लिए चला गया। गेम शुरू होते ही बिस्मार्क ने बहुत केयरलेसली पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो ब्लोम के सामने काफी पैसे हार गया, और इसके बाद बिस्मार्क क्राउड के सामने काफी डम वे में एक्ट करने लगे। क्राउड में बैठे लोग बिस्मार्क के डम एक्ट्स को देखकर शॉक हो गए, और वहीं बिस्मार्क के खेलने के ढंग को देखते हुए काउंट ब्लोम को लगा कि बिस्मार्क एक बेवकूफ आदमी है और बिस्मार्क जैसे आदमी से उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। फिर अगले दिन जब ट्रीटी साइन करने का टाइम आया तो काउंट ब्लोम ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एग्रीमेंट पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर दिए, जिसके बाद बिस्मार्क काउंट को चीयर करते हुए कहते हैं कि जब मैं ये ट्रीटी पेपर्स लिख रहा था तब मुझे लगा था कि कोई भी ऑस्ट्रियन ये पेपर्स को कभी साइन नहीं करेगा, बट आपने तो इस पर बड़ी आसानी से साइन कर दिए, थैंक यू माई फ्रेंड। और कुछ इस तरह से बिस्मार्क ने अपना आपको डम दिखाकर एक होशियार आदमी को बेवकूफ बना दिया और खुद प्रशिया का हीरो बन गया। और इसी रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप भी चालाकी से लोगों को अपनी उंगलियों पर नचवा सकते हो और अपनी वैल्यू करवा सकते हो। नंबर 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। 18th सेंचुरी BC में डेविसस नाम के एक आदमी को मेडिस का रूलर बनने की बहुत इच्छा थी, पर मेडिस के लोगों को मोनार्की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो रूलर मेडिस पर रूल करता था वो एक्सट्रीमली क्रूअल था और उसने मेडिस के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए मेडिस के लोगों को मोनार्की रूल बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेकिन डियोसस ने कुछ लोगों के बड़े डिस्प्यूट्स को सेटल करके अपने नाम का ऐसा परसेप्शन बना लिया था कि ही कैन सॉल्व एनी डिस्प्यूट दैट कम्स हिज वे। वेल, धीरे धीरे लोग अपने डिस्प्यूट्स लेके डियोसस के पास आने लगे, जिसके बाद ही मेड श्योर कि सारे डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएं और सिटी पीसफुली रन करे।
फिर कुछ टाइम के बाद डीओसीएस ने अनाउंस किया कि वो अब से पब्लिक लाइफ क्विट कर रहा है एंड ही वोंट बी सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एनीमोर। वेल, उनके अब्सेंस के बाद कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, बट एज यूजुअल लोगों में फिर से डिस्प्यूट होने लगे, जिससे शहर की शांति कहीं गुम ही हो गई। इस एब्सेंस की वजह से लोगों में उस एक्सटेंट तक हड़बड़ी मची कि लोगों ने उनके लिए मोनार्की तक को भी एक्सेप्ट करना रिलेवेंट समझा, जिसके बाद मेडिस ने डीओसीएस को किंग डिक्लेयर कर दिया। डीओसीएस बिकम अ किंग, जिसके बाद उन्होंने ये मेक्श्योर किया कि उनकी प्रेजेंस सैक्रेड हो और वो शेड्यूल्ड टाइम पर ही लोगों से इंटरेक्ट करें और उनकी क्वेरीज सॉल्व करें। वेल, अपने एब्सेंस का यूज करते हुए ही रूल्ड फॉर 43 इयर्स एंड लिव्ड अ गॉड स्टेटस लाइफस्टाइल। वेल, क्या आपने नोटिस किया है, सेलिब्रिटीज कोई भी इवेंट पर लेट आते हैं और 5-10 मिनट में ही निकल जाते हैं, ये कहकर कि आई हैव टू अटेंड डिफरेंट इवेंट, जबकि रियलिटी में उन्हें घर जाके पजामा में बैठ के चिल करना होता है। एंड यू आस्क व्हाई, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू बी दैट गाय जिसे देख के सब कहेंगे देखो ही इज हियर, ना कि ये कहें कि ये लो फिर आ गया अब यहां से, अब कब जाएगा क्या पता। नंबर 6, टू कीप पावर बी फॉर्मलेस। अगर आप लोगों ने 300 मूवी देखी है तो आप उसे देखकर बहुत इंप्रेस हुए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पार्टन्स ने 18th सेंचुरी में काफी एरिया को कॉन्कर कर लिया था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वहां रह सके, लेकिन उसके बाद उनका गोल ये रहा कि वो एग्जिस्टिंग लैंड और अपने लोगों को कैसे सेव कर सकते हैं। वो कभी भी और एक्सपांड करने के मूड में नहीं थे और इसलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। वेल, सॉल्यूशन ये था कि वो अपनी आर्मी को इतना ट्रेन कर देंगे कि वो दुनिया की सबसे एलीट आर्मी बन जाएगी। जब कोई भी स्पार्टन 7 साल का हो जाता तो उसे उसकी माँ से ले जाकर मिलिट्री क्लब में डाल दिया जाता था। उन बच्चों को जमीन पर सोना पड़ता था और पूरे साल में सिर्फ एक ही कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। अगर कोई भी बच्चा कमजोर पड़ता था तो उन्हें माउंटेन्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, और तो और उन्हें ना किसी म्यूजिक ना ही आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ने दिया जाता था। उन बच्चों से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो एक किलिंग मशीन बन जाए, और हुआ भी वही। वो अपने से 10 times आर्मी साइज को इजीली डिफीट कर लेते थे, लेकिन जब स्पार्टन्स अपने एग्जिस्टिंग लैंड को बचाने में लगे तभी एथेंस नाम की एक आर्मी ने जन्म ले लिया। वेल, एथेंस हर चीज के लिए ओपन माइंडेड थे। वो बाकी कम्युनिटीज के साथ बिजनेस करते थे और उन्हें सामान बेचते, पॉलिटिक्स करते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने दुश्मन की जमीन को जीत लेते। अब हुआ ये कि एथेंस और स्पार्टन के बीच में वॉर हो गया एंड एज एक्सपेक्टेड स्पार्टन्स ने एथेंस की आर्मी को हरा दिया। स्पार्टन के पास अपने एरिया के साथ साथ एथेंस का एक बड़ा एम्पायर मैनेज करने के लिए भी आ गया, जहाँ पे पॉलिटिक्स थी, चमक दमक थी और डिस्ट्रैक्शंस थे। बहुत सारे स्पार्टन्स एथेंस के पॉलिटिकल सिस्टम में आए ताकि उस एरिया को मैनेज कर सकें, लेकिन एथेंस में जाके वो करप्ट हो गए, जहाँ पे उन्होंने पैसा देखा, कल्चर देखा, जिसकी वजह से स्पार्टन आर्मी में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। एथेंस से जीत के 30 साल बाद स्पार्टन्स की लड़ाई सिटी ऑफ थेब्स से हुई और पूरी स्पार्टन आर्मी एक रात में सिटी ऑफ थेब्स से वो वॉर हार गई, जिसके बाद वो कभी रिकवर नहीं हो पाए। वेल, इतिहास के इस लेसन से हमारी लर्निंग ये है कि एज ब्रूस ली सेड, बी फॉर्मलेस, और पावरफुल बने रहकर लोगों से अपनी वैल्यू करवाने के लिए हमें नई चीजें सीखते रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 6 बहुत ही पावरफुल बातें फ्रॉम द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में यस आई विल जरूर लिखना, और यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप इस बुक की फुल बुक समरी सुनना चाहते हो, पूरे 48 लॉज, तो आप यह बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।